बुधवार को ईसाई धर्म के पर्व क्रिसमस को मालवा निमार सहित देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। बीती रात 12 बजते ही इंदौर के विभिन्न चर्चों में घंटे बज उठे और प्रभु यीशु जन्मोत्सव की मिसा शुरू हुई। समाजजनों ने केक काट कर प्रभु का जन्मोत्सव मनाया। इससे पूर्व इंदौर में रात 11 बजे सभी 9 कैथोलिक चर्चों में क्रिसमस कैरोल गाए गए। उसके बाद आराधना की गई। ईसाई धर्म के लोगों द्वारा इस बार ग्रीन क्रिसमस क्लीन क्रिसमस का संदेश भी दिया। इसके लिए पहले से ही समाजजनों को प्लास्टिक का उपयोग ना करने, पटाखे ना फोड़ने और पौधे लगाने के संदेश दिए थे, जिसका सभी ने पालन भी किया। समाजजनों ने एक दूसरे को गिफ्ट भी कागज के बैग में दिए। समाजजनों ने एक दूसरे के घर जाकर भी मिठाइयाँ दी और प्रभु के जन्मोत्सव पर बधाइयाँ दी। ईसाई धर्म के लोगों ने इंदौर के विभिन्न गिरजाघरों में प्रभु यीशु की प्रार्थना कर परंपरा के मुताबिक केक काट कर क्रिसमस पर्व मनाया। इस दौरान सेंटा क्लॉज से गिफ्ट लेते बच्चे भी उत्साहित दिखे। आनंद के साथ मनाया क्योंकि प्रभु का आगमन हम सबों के लिए बड़े आनंद का विषय है और उनके आगमन से सबके दिल में शांति लेने आए हैं। शांति का राजा है तो मैं भी आप सबको शांति का अभिवादन करता हूँ, आनंद का अभिवादन करता हूँ। प्रभु आपके दिल में शांति और आनंद प्रदान करे। मेरी शुभकामनाएं।